एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास ए टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक है उसकी सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट जो यूनिट है वो 6.3 में लास्टली हमने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन किस तरीके से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा और इंडिया में कितने बड़े लेवल पर वो एक राष्ट्रीय आंदोलन बनकर खड़ा हुआ। लेकिन चोरा चोरी एक कांड की वजह से गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस लिया और उस आंदोलन के वापस लेने पर किस तरीके से कांग्रेस के ही नेता या फिर जो बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज करा कि इस टाइम पीरियड पर जब आप आंदोलन इतना सक्सेसफुल हमें होता हुआ दिख रहा है और गांधी जी ने स्वयं में ये बात कही थी कि इस आंदोलन के एक साल के बाद हमें आजादी वास्तविक रूप में मिल जाएगी या फिर हमें स्वराज हमें वास्तविक रूप में मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक भी यानी कि असहयोग आंदोलन तक भी कांग्रेस ने ये पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं करा था कि उनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग है। तो स्वराज के बारे में अभी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट है। तो स्वराज एक साल में मिल जाएगा, इसी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी जॉब्स को छोड़ दिया, अपने जो सरकारी नौकरियां हैं उन्हें छोड़ दिया, स्कूल से स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स को कट डाउन कर दिया, स्कूल्स जाना बंद कर दिया, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। इस तरीके से सभी लोगों ने भारत के असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करा, लेकिन उस आंदोलन को एकदम से वापस लेना ऑब्वियसली लोगों के लिए भी बहुत शॉकिंग डिसीजन था। और ये बात कही गई कि इस तरीके से आंदोलन को वापस लेना एक तरीके से राष्ट्रीय संकट की स्थिति को दर्शाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद क्या क्या स्थितियां हैं, क्या कौन कौन सी कंडीशन है जो पैदा हुई और किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो देखने के लिए मिला। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन के बाद जो है कांग्रेस जो है वो विभाजित हो जाती है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, हमें अलग अलग जगह पर बहुत तरीके का विभाजन जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम कांग्रेस के लेवल पर बात करें तो कांग्रेस विभाजित होती है परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो ग्रुप्स में। अब ये दोनों ग्रुप्स क्या थे, अगर हम बात करें परिवर्तनवादी की तो परिवर्तनवादी ये मान रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में यानी कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज चल रही है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसे करेंगे, हमें इलेक्शंस मतलब कि जो इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, फिर उसके बाद कार्यपालिका में हमें अपना योगदान देना चाहिए। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट यह था कि हमें गवर्नमेंट के अंदर आकर फिर वहां से सुधार करने चाहिए या फिर वो जो भी भारतीय लोगों के लिए एक गलत पॉलिसीज निकाल रहे हैं उनका हमें पार्लियामेंट में जाकर विरोध करना चाहिए। तो ये परिवर्तनवादी थे जो बात बोल रहे थे कि राजनीति में भाग लेकर उन्हें अंदर से तोड़े, यानी ब्रिटिशर्स को जो है अंदर से तोड़े। अब इसमें कौन थे प्रमुख नेता, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे इसमें प्रमुख नेता थे। अब अपरिवर्तनवादी कौन थे, जो कि गांधी के जो रचनात्मक कार्य थे उनका समर्थन कर रहे थे कि हमें बिल्कुल भी इनका सहयोग नहीं करना है और हमें जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने संस्थान खोलने हैं और इनके संस्थानों का विरोध करना है, वो अपरिवर्तनवादी में थे। जिसमें कि कौन शुमार हो रहे थे या फिर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र अंसारी थे, राजगोपालाचारी जैसे जो नेता हैं वो इसमें थे। अब परिवर्तनवादी ही आगे चलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपका बनता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन में ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन बनता है कि अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और सचिव इसके जो थे मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, तो ये स्वराज पार्टी है। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन का जैसे ही पतन होता है उसके बाद कांग्रेस और लीग में भी जो गठबंधन बना हुआ था, जिस मतलब कि खिलाफत आंदोलन के लिए दोनों में गठबंधन बना था, अब जब खिलाफत आंदोलन ही समाप्त हो जाता है तो जो गठबंधन इन दोनों पार्टी से बना था वो भी टूट जाता है। तो ये दूसरा विभाजन हो जाता है, एक तो कांग्रेस में विभाजन है, फिर दूसरा विभाजन की लीग में, फिर उसके बाद
एक तरीके से लोकल लेवल पर भी विभाजन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि एक सांप्रदायिक विभाजन होता है कि अलग अलग जगहों पर दंगे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बंगाल में जो चित्तरंजन दास का समझौता था वो टूटता है और 1926 में कलकत्ता में दंगे होते हैं। इसी तरीके से 1926 से 1931 के बीच में पूर्वी बंगाल में दंगे देखने को मिलते हैं और संयुक्त प्रांत में 1923 से 27 के बीच में 88 दंगे जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर मुस्लिम्स की बात हो गई। अब दूसरा जो चल रहा था, जिसे जो गांधी जी है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो दलित थे, ठीक है। लेकिन दलित भी यहाँ पर पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जो भी पॉलिसीज आ रही थी या फिर जो भी पॉलिसी या जिस भी तरीके से गांधी जी दलित को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो भी नेता थे या फिर जो लीडर्स थे वो पूरी तरीके से दलित को अपना ही नहीं पा रहे थे। तो दलितों को भी ये चीज फील हो रही थी, उन्हें भी इस चीज का एहसास हो रहा था। तो दलित सुधारों के लिए बहुत मामूली समर्थन मिला, जिसके चलते राव बहादुर राजन ने गठबंधन बनाया, ठीक है। तो पहला तो ये था। फिर उसके बाद 1923 में बीआर अंबेडकर ने ही ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई 1930 में, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने बनाई या फिर कौन से ईयर में एसोसिएशन बनी थी। कई बार ये सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है। और इसका एजेंडा क्या था, तो ये इसका एजेंडा ही कांग्रेस विरोधी एजेंडा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कांग्रेस में किस तरीके से विभाजन हो रहा है या फिर कांग्रेस को किस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कि एक तो कांग्रेस में खुद में ही विभाजन हो रहा है कि परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में विभाजन देखने के लिए मिल रहा है। फिर जो खिलाफत आंदोलन की वजह से लीग और कांग्रेस में गठबंधन हुआ था वो टूट चुका है। फिर जो लोग हैं, लोगों को कांग्रेस से भरोसा उठता जा रहा है। दलित जो समाज है वो भी खुद को जो कांग्रेस है उस कांग्रेस से अलग कर चुका है। तो इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर जो कांग्रेस से है लोग कटते जा रहे थे। देखिए 1920 के दशक के अंत में क्या होता है कि भयानक मंदी आती है, ठीक है। भयानक मंदी आती है। अब जब क्या होता है कि नॉर्मल जब आपकी सिचुएशन चल रही होती है तो आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा होता है और इस प्रॉफिट पर अगर टैक्स भी ज्यादा लग जाता है तो इतनी आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उस सिचुएशन में जब आपका प्रॉफिट ही इतना लो हो रहा है और आपकी फसल और खेत वगैरह सब चीजें खराब हो चुकी है और उस सिचुएशन पे अगर आपसे टैक्स मांगा जाए तो ये आपके लिए एक तरीके से भयानक संकट की स्थिति पैदा होती है। तो यही हुआ कि जब भयानक मंदी आई तो किसानों का शोषण होना शुरू हो गया और इसकी वजह से उन्हें अपनी जमीनों के कुछ टुकड़े थी बेचने पड़े। और तो पहला तो एक आधार यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकता था कि किसानों को खुद से जोड़े। फिर दूसरे तरीके से कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद जो पूंजीपति वर्ग यानी कि कैपिटल क्लास का जो उदय हो चुका होता है, अब भारतीय पूंजीपति जो वर्ग है वो स्वयं को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से 1927 में संगठित किया, ठीक है। तो इसे कब संगठित किया गया, 1927 में। और बाहरी कपड़ों की प्रतियोगिता की वजह से इन्हें भारी नुकसान होने लगा, ठीक है। तो जितनी भी कंपटीशन इंडियन मार्केट में हो रहे थे उन कंपटीशन की वजह से इंडियन के जो मतलब कि एक तरीके से भारत का जो पूंजीपति वर्ग था उसे नुकसान झेलना पड़ रहा था। और यहाँ पर ये जो पूंजीपति वर्ग था यानी कि कैपिटल क्लास थी, इन्हें प्रॉफिट दिख रहा था कि अगर हम कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन क्रिएट ही कौन कर रहा था, ये कॉम्पिटिशन का आधार बना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट रही थी, ठीक है। वो ही अलाउ कर रही है, इंडियन मार्केट वो ही लोगों के लिए खोल रही है। तो यहाँ पर जो ये कैपिटल क्लास थी, इन्हें ये फील हुआ, ये इन्होंने ये एनालाइज किया कि अगर हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर हमें लाभ देखने के लिए मिलेगा। फिर एक्सट्रीम पॉइंट कब आता है, यानी कि चरम स्थिति कब आती है, जब 1928 से 1929 में श्रमिक असंतोष का चरम काल आता है कि 203 जो हड़तालें हैं
इस टाइम पीरियड में, मतलब कि सिर्फ एक साल में 203 हड़तालें देखने के लिए मिलती है। तो दूसरी स्थिति यहाँ पर ये हो सकती है कि कांग्रेस इन्हें अगर जोड़ता है तो इस तरीके से वो एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर सकता है। फिर 1927 में साइमन कमीशन आता है, ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन आता है जिसे कि व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है, ठीक है, साइमन कमीशन कहा जाता है। अब इसे व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के लिए नियम बनाने के लिए कमीशन आई, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो जाहिर सी बात है इसका विरोध होना ही था, एक तो यही आधार था कि कोई भारतीय ही नहीं था, और दूसरा ये आधार था कि सिर्फ 2 साल पहले आई, यानी कि इससे पहले जो एक्ट आया था वो 1919 में आया था, ठीक है, यानी कि अगला जो आना था आपको 1929 में आना था, लेकिन उससे 2 साल पहले ही ये आई। और ये वही कमीशन है जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई, मतलब कि लाला लाजपत राय इसी कमीशन के अगेंस्ट में आंदोलन कर रहे थे और दांडी मार्च करते हुए, मतलब कि लकड़ियां मारते हुए लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई यहाँ पर। तो इन कमीशन का बहिष्कार करा गया और जिन्ना ने 1927 में दिल्ली घोषणा रखी, लेकिन इस घोषणा का हिंदू सांप्रदायवादियों ने विरोध करा। फिर इसके विरोध में जब साइमन कमीशन को बहिष्कार किया गया तो यहाँ पर ये चैलेंज मिला कि आप अपनी कोई रिपोर्ट पेश करिए। तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप कि अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट गांधी के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में आने का मार्ग था, लेकिन दूसरा द्वार गांधी जी के लिए क्या था, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, वो साबित हुआ, जिसकी सफलता को लेकर ही जो गांधी जी हैं वो केंद्र में आए। अब आपको यहाँ पर 2-3 चीजों को डिटेल में समझना पड़ेगा। पहला आपका साइमन कमीशन है, दूसरा आपका नेहरू रिपोर्ट है, और तीसरा आपका यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह है, ठीक है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो कि 5 सेकंड होगा, क्योंकि इसको डिटेल में आपका समझना जरूरी है। इसी अगर लेक्चर में मैं ऐड ऑन कर दूंगी तो ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इस लेक्चर में 2 पॉइंट चीजों को समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा थोड़ी सी इन तीन टॉपिक के लिए डिटेल लेक्चर होगा। फिर उसके बाद रिपोर्ट के लिए गांधी ने शर्त रखी कि 31 दिसंबर 1929 एक ऊपर कोई पॉइंट छूट रहा है, तो बेसिकली जो कांग्रेस है उस कांग्रेस में भी जो नेहरू रिपोर्ट है उसको लेकर एक तरीके से डिबेट चल रहा था। अब वो डिबेट क्या था कि कुछ लोग जो थे वो ये बात कह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वाधीनता की अब मांग करनी चाहिए, और कुछ लोग जो थे जैसे कि नेहरू रिपोर्ट में था वो डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, ठीक है, स्टेटस की बात कर रहे थे। अब गांधी जी ने क्या कहा कि अगर इस रिपोर्ट को नहीं माना जाता है या फिर इन शर्तों को नहीं पूरा किया जाता है, तो गांधी जी ने शर्त रखी कि 31 दिसंबर 1929 तक अगर इसे स्वीकार नहीं किया तो जो कांग्रेस है वो पूर्ण स्वाधीनता पाने के लिए एक असहयोग आंदोलन चलाएगी। और 31 फिर उसके बाद जो है 31 अक्टूबर 1929 में इरविन समझौता रखते हैं, इरविन प्रस्ताव रखते हैं जिसे इरविन प्रस्ताव कहा जाता है, लेकिन ये भी असफल रहता है। और 26 जनवरी 1930 को जो कांग्रेस है स्वतंत्रता दिवस मनाती है। यही रीजन है कि जो संविधान बनने के बाद भी इसे लागू करने के लिए जो डेट डिसाइड करी गई थी वो 26 जनवरी डिसाइड करी गई थी, क्योंकि इसी दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। फिर 31 जनवरी 1930 में इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी गई, जिसे कि इरविन ने अस्वीकार कर दिया, और इसी के बाद 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च निकाली गई, ठीक है, मतलब कि जब गांधी जी ने जो सूत्र रखे, जो प्रस्ताव रखे, उसे जब इरविन एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इन मांगों को अस्वीकार कर देते हैं, तो गांधी जी दांडी मार्च निकालते हैं। और 6 अप्रैल को नमक कानून वो तोड़ते हैं, 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया जाता है। फिर इसी के विरोध में पेशावर में जो बादशाह खान है, जो असहयोग आंदोलन पेशावर में चला रहे होते हैं,
सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला रहे होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद वहां पर हिंसा होने लगती है। अब इसी के आगे चलते हुए 4 मई को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गांधी जी को जैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बम्बई में 50,000 जो मिल मजदूर होते हैं इसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। फिर सितंबर 1930 के बाद आंदोलन का पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे बात है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्हें एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है और जेलों में डाल दिया गया है, तो आंदोलन जो है कमजोर होना शुरू हो जाता है। और यही होता है सितंबर 1930 के बाद। फिर 5 मार्च 1931 में जो गांधी हैं इरविन के साथ समझौता करते हैं और इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब इस समझौते में क्या था कि जो कांग्रेस है और गांधी है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है, ठीक है, 12 नवम्बर से 13 जनवरी 1931 में पहला होता है। दूसरा 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और वहीं 17 नवंबर से 24 दिसंबर में से 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। पहले गोलमेज सम्मेलन में तो जो है कांग्रेस पार्टिसिपेट ही नहीं करता, भाग ही नहीं लेता। और दूसरे जो सम्मेलन है उसमें अलग निर्वाचन मंडल में, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम यहाँ पर अलग निर्वाचन मंडल की बात नहीं कर रहे थे, जितने भी अल्पसंख्यक थे यहाँ तक कि दलितों के लिए भी निर्वाचन मंडल की बात की जा रही थी। तो गांधी जी ने इसका विरोध करा और उन्हें खाली हाथ भारत लौटना पड़ा। अब एक अलग आंदोलन चलाने की अगर बात भी सोची जाएगी तो उससे लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग कब तक अपनी नौकरियों को छोड़ेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो कब तक स्कूल जाना बंद करेंगे, ठीक है, तो कब तक जो जो यंग जनरेशन है या फिर जो यंग यूथ है वो सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि कोई भी अगर जो आंदोलन होता है वो एक्सट्रीम होता है फिर उसे वापस ले लिया जाता है, तो लोगों का भी एक तरीके से जो भरोसा है वो उठता चला जा रहा था। और 4 जनवरी 1932 को भी कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया यहाँ पर। लेकिन इन सारी चीजों का ये मतलब नहीं था कि ये आंदोलन असफल हो गया था। कांग्रेस का जो राजनीतिक महत्व था कि इसके बाद, मतलब कि आंदोलन वापस होने के बाद भी 1937 में भारी चुनावी विजय उसे मिलती है, मतलब कि जो चुनाव होते हैं उन चुनावों में उसे बहुत बड़ी जीत मिलती है। ये दिखाती है कि पॉलिटिकली कांग्रेस कितनी स्ट्रांग हो चुकी थी, कि कांग्रेस को 11 में से 5 प्रांतों में पूरे पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है और बंगाल में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, ठीक है। तो ये किस तरीके से लोगों का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त था ये दर्शाने के लिए काफी है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट होता है। 2-3 जो आपके जो पॉइंट्स हैं जिन्हें डिटेल में समझना जरूरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।